हेलो माय लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड पैशन विद शिशोदिया एंड इट्स मी अनुषा। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, अगेन मैं लेके आई हूँ एक और मीशो हॉल, जो कि जैसे कि चल रहा है विंटर सीज़न। तो विंटर सीज़न के लिए क्या ज़रूरी है, जो कि विंटर्स एसेंशियल्स हैं कि हमें ये चाहिए होता है। सो ये बेसिकली होने वाला है विंटर वियर हॉल, जिसमें मैं आपके साथ शॉल भी शेयर करूँगी और स्लीपर्स भी, कुर्ताज़ भी हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें। मतलब आपको एक मिक्सअप हॉल मिलने वाला है, बट विंटर से रिलेटेड ही मिलने वाला है सारी चीज़ें। सो गाइज, इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया है, रिव्यू वीडियो, जो कि विंटर के कपड़ों से ही रिलेटेड है। जैसे कि आपके रूहें आ जाते हैं कपड़ों पर, नए कपड़ों पर रूहें आ जाते हैं और फिर आपको उनको पहनने का मन नहीं करता, तो उसी से रिलेटेड मैंने एक प्रोडक्ट शेयर किया, उसका रिव्यू शेयर किया। तो वो आप ज़रूर चेकआउट करना, बहुत ही मस्त प्रोडक्ट है गाइज, बहुत ही मस्त। मतलब इतना मस्त है ना कि बस मस्त है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो वो आप ज़रूर चेक करना, वो मैं आपको आई बटन पर लिंक डाल दूँगी, तो वो आप ज़रूर चेकआउट करना वो वाला वीडियो, ठीक है? सो वो तो हो गई, इस वो वाली बात छोड़ो, अब हम चलते हैं अपने विंटर हॉल पे। सो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या मंगाऊँ क्या नहीं। बट पहले तो फर्स्ट मैं आपको ये टॉप दिखा देती हूँ। ये मैंने फुल स्लीव्स का ये टॉप मंगवाया, जिसमें आपको ना ये पर्ल्स लगे हुए मिलेंगे, ये वाइट कलर के, एंड ये अंदर से ना स्टिच है टाइप। मतलब आप ये देखो, यहाँ से आप देख रहे हो, ये इससे ना स्टिच है, मतलब ऐसे निकलेंगे नहीं, कुछ इस तरीके से हैं, फुल स्लीव्स में है। कुछ ना ये जो फैब्रिक है ना, ये कुछ ऐसा खींचने वाला होता है ना, उस टाइप का फैब्रिक है, लेकिन बहुत अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लाइक ये क्रॉप टॉप टाइप है, या आप ना इसको ना साड़ी वगैरह के साथ टीम अप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बाकी आप जैसे नॉर्मली टॉप वगैरह, जीन्स वगैरह पे, स्कर्ट वगैरह पे वेयर कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जिसका प्राइस था वो 199 रुपीज़ था, तो उसके अकॉर्डिंग ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप इस पे जाना चाहें तो ये वाला चेकआउट कर सकते हैं, मैं स्क्रीन पर डिटेल मेंशन कर दूँगी, तो आप ज़रूर देख लेना। उसके बाद सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है स्लीपर्स, जो वॉर्म स्लीपर्स हैं गाइज। विंटर में ना हमें स्लीपर्स की बहुत नीड रहती है, लाइक सॉक्स भी पहनो ना, तो इसके बाद स्लीपर्स तो पहननी ही पड़ती हैं। तो अगर आप मतलब सॉक्स स्किप करना चाहते हो, तो आप ना उसके लिए, उसके अलावा जैसे रोज़ घर में पहनना चाहते हो, घर में ना फिर कहीं भी पहनो, रूम में कहीं भी पहनो, पूरे टाइम पहन के रखो। तो ये मैंने 3 का पैर मंगाया था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये 3 का पैर था, ये कुछ इस तरीके से, ये वाला डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन, ये देख रहे हैं आप, और एक, सॉरी, एक ये वाला डिज़ाइन। सो जहाँ से मैंने सेलर से मंगाया था ना, उसमें अलग था, मतलब जो स्क्रीन पे उसने दिखा रखा था फोटो वो अलग था, बट मैंने जब रिव्यूज़ में चेक किया ना, तो हर किसी के पास, मतलब हर जो कस्टमर था उसके पास अलग अलग प्रोडक्ट था। मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे पास ये या किसी और के पास, सबके पास अलग अलग थे, बट रिव्यूज़ वहाँ बहुत अच्छे थे। और मुझे गाइस ट्रस्ट मी, इनकी क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं आपको यहाँ पर साइड में ना पहन के दिखाऊँगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लगे ये। इनका फैब्रिक भी अच्छा है, और ये देखो अंदर से भी वॉर्म है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और आप जैसे इनको पहन के रखोगे ना, तो आपको ना एकदम वाइब आएगी, एकदम अंदर आपका जो फीट है एकदम वार्म रहेगा, और ना आपको ठंड में भी इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब ठंड चढ़ती है ना, तो वो पैड्स ही चढ़ती है। मतलब अगर जब ठंड लगती है ना बंदे को, तो वो पैड्स ही लगती है। अगर पैर कवर होंगे ना, तो आपको ठंड कम लगेगी, है ना, तो उसके लिए पैर हमेशा कवर रहने चाहिए, तो इसलिए मैंने मंगाए थे। और ना घर पे ना, जैसे बहुत सी जगह होती हैं, लाइक कुछ रूम्स होते हैं वहाँ पे चप्पल अलाउड नहीं होती, जैसे मेरे घर में मंदिर वाला रूम है, वहाँ चप्पल अलाउड नहीं होती हैं, तो उस वजह से, और फिर क्योंकि मुझे आदत है स्लीपर्स वियर करने की, हर टाइम मैं बिना स्लीपर्स की नहीं रह पाती हूँ। सो इसलिए पहले भी मैंने मंगाए थे, बट पहले मैंने ऑफलाइन मंगाए थे, और वो पिछले विंटर्स में ख़राब हो गए थे। ऐसा नहीं आप कोई हर विंटर्स में पहन सकते, पर यह कि दो तीन महीने जो विंटर्स रहती है ना, उनमें आप रेगुलर पहनो, धो भी लो, वॉश भी कर लो, वॉशेबल भी होते हैं, इन्हें वॉश कर लो। सो एकदम मस्त है, 3 सेट्स हैं आपको, एक पहनो तो ये गंदा लगे तो इसको वॉश कर लो, दूसरा पहनो ऐसे करके, बाकी घर में और भी लोग हैं तो उनको भी दे दो, उनको भी पहनाओ, है ना। तो मुझे कॉम्बो में बहुत अच्छे लगे, और जो उनका प्राइस था ना, वो 217 रुपीज़ था, बाकी अगर मैं गलत हूँ तो मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी। तो यार आपको एक पेयर, यार आपको ये एक पेयर 70 रुपये का भी नहीं पड़ रहा, तो अगर आप ऑफलाइन मार्केट वगैरह में लेने जाओगे ना, तो ये 100-150 रुपये से कम में नहीं आएंगे। तो आपको अगर एक प्रोडक्ट 70 रुपये का मिल रहा है, तो गाइस और क्या ही चाहिए। और क्वालिटी भी टॉप नॉच है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वॉर्म है, मैं इन्हें पहन चुकी हूँ, ये वाला जो है इसको मैं पहनती हूँ घर पर, मैंने कल ही निकाला था, और ये मुझे डिलीवर्ड भी कल ही हुए हैं, कल या परसों डिलीवर्ड हुए थे। सो ये बहुत अच्छे हैं, आपको एक लेना है तो एक वो कॉस्टली पड़ता है, बट आप कॉम्बो में लेते हैं ना, तो आपको सही प्राइस में पड़ जाता है। और घर में तो यार ये हर कोई यूज़ कर सकता है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। एक मैं अपनी मम्मा को देने वाली हूँ, और एक अपनी सासू मम्मा को देने वाली हूँ, एक मैं पहनने वाली हूँ। सो ये भी बहुत अच्छे हैं, तो आप इन पर जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट
मैंने इसमें मंगाया था, ओके सो इसमें मैंने मंगाया था नाइट सूट विंटर का। मेरा बहुत टाइम से मन था, मतलब मेरे पास ना पजामाज हैं गरम, जो वॉर्म वाले पजामा होते हैं वो हैं 2-3, बट पूरा ना नाइट सूट टाइप नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मंगाया जाए इस बार, तो ना इसमें ना आपको 2-3 कलर मिल जाएंगे, लाइक पीच मिल जाएगा, पिंक मिल जाएगा और कुछ ब्राउनिश टाइप मिल जाएगा। और ये जो है ना ये क्रीम कलर है, ये मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ऑफ वाइट टाइप में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। एंड जब मैंने ये खोला ना, इसका जो ये फैब्रिक है इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, मैं क्या बताऊँ आपको, आपको समझ में नहीं आएगा, बट इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। सो मैं आपको ये पहले दिखाती हूँ, इसकी जो टी शर्ट है ये, पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है, हैवी नहीं है, एक कि आप बहुत ज़्यादा विंटर्स में पहन सकते हो, पर ये है कि आपका ऐसे घर पे अंदर पहनने का मन है ना तो पहन सकते हो। बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे तो ये, और इस पर प्रिंट भी है ये कुछ इस तरीके का, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप इस कलर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप कोई और कलर भी ले सकते हो, ये टी शर्ट है। उसके बाद ये आपको नीचे का ना पजामा मिल जाएगा, बहुत अच्छा है ये भी, इसमें इलास्टिक दी गई है। एंड मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा क्यों लग रहा है, वैसे तो ये हल्का है ना, बट अंदर से वॉर्म है, हल्का है। आप जैसे कहीं बाहर पहनना चाहते हो, लाइक कहीं घूमने जा रहे हो वहाँ पहनना चाहते हो, तो आप इसके अंदर इनर वियर कर लो, जो इनर आती है ना वॉर्म वाली, गर्म वाली जो इनर आती है, आप वो वियर कर लो, वो भी बहुत ज़्यादा सही रहती है इनके साथ। और ये मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा, पहले मुझे लगा कि ये थोड़ा सा भारी कपड़े में आएगा, बट नहीं था, बट मैंने ये रख इसलिए लिया बिकॉज इसका जो कपड़ा है ना गाइस, जो ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। लाइक इसे रात में बहुत ज़्यादा हैवी पहनने का मन नहीं करता, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से कुछ हल्का सा पहनो, रात को नींद अच्छी आए, तो उसके पर्पज़ से ना तो ये बहुत अच्छा है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो इसका प्राइस था ना वो है कुछ 456, मतलब 500 के अंदर ही है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। बाकी आप पहन कर तो आपको दिख ही रहा होगा कि लग कैसा रहा है। उसके बाद मैंने इसमें क्या मंगवाया था, मैंने बस ना ऐसे साइड से ना ओपन करके देख लिया, बाकी खोल मैं आपके सामने रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना डर लगा रहता है मीशो से हमेशा मंगाने, वैसे मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है, बट मुझे फिर भी डर लगा रहता है कि कहीं कुछ गलत प्रोडक्ट ना आया हो, इसलिए मैं बस ओपन करके देख लेती हूँ कि वही प्रोडक्ट है या नहीं। तो इसमें मैंने मंगाई है स्टॉल, तो ये मुझे कुछ 200 समथिंग की रिसीव हुई है, एंड इसमें भी आपको 5-6 कलर्स मिल जाएंगे। सो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, वही गर्म कपड़े में है, और जो इसमें कढ़ाई हो रखी है ना गाइज, वो तो इतनी प्यारी कढ़ाई हो रखी है, लाइक मतलब अमेजिंग, बहुत मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी कढ़ाई। मेरे पास ना इसमें की जो शॉल है, मतलब प्रॉपर शॉल है, ये स्टॉल है जो मेरे पास है, वो मरून कलर की एक शॉल है, एक है ब्लैक कलर की शॉल, पूरी स्टॉल नहीं है मेरे पास कुछ ऐसी। मैंने सोचा क्यों ना मंगाया जाए, ये वाला कलर मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाला कलर मंगाया जाए। तो मुझे लेंथ विड्थ वगैरह, मतलब जैसे स्टॉल की होती है ना वैसी है, ऐसी नहीं कहूँगी मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है, कहूँगी मैं बहुत ज़्यादा बड़ी है। बाकी आप जो इसकी ना ये देखो, ये जो पूरा थ्रेड वर्क देखो, इतना ज़्यादा प्यारा, क्लीन एंड नीट है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी आप साइड में देखो कि पहनने के बाद ये पूरी मतलब कैसी लग रही है, इसका जो पूरा लेंथ विड्थ वगैरह उसमें शो होगा, इतना तो मैं इतना क्लियर आपको पता नहीं चल पाएगा, आप कहोगे कितनी लेंथ है कितनी विड्थ है, तो आप साइड में देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, एंड अच्छी खासी भारी भी है ये शॉल, और मुझे तो ये क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी लगी, बिकॉज इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 200 समथिंग की है ये, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉल अगर आप ले रहे हैं कुछ गर्लिश लुक के लिए, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ये। उसके बाद मैंने एक कुर्ता मंगवाया था, तो मैंने मस्टर्ड कलर में ये कुर्ता मंगवाया है, ये बट पता गाइस क्या हुआ कि मैंने इसको ना एक्सचेंज करके दूसरा मंगवाऊंगी, बिकॉज क्या हुआ मैंने इसमें साइज़ को एम मंगवाया था, बट उन्होंने जो मुझे साइज़ दिया है ना वो एल दिया, और एल साइज़ में मेरे काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ रहा है गाइस। यूजुअली मेरा एल साइज़ इतना बड़ा नहीं आता है, बट इसमें तो इतना ज़्यादा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने मतलब एक्सेल पहन लिया है बहुत ज़्यादा। आप ट्राई ऑन में देखना, इतना ज़्यादा लूज़ आ रहा है मेरे। बाकी ना ये कुछ ए लाइन लेंथ में आएगा, कुछ उस टाइप कट में, तो कुछ फ्रॉक स्टाइल लगेगा, मतलब साइड से ना स्लिट नहीं मिलेगा आपको, पूरा सिला हुआ है ये। बाकी आपको नेक के राउंड नेक मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, बाकी आपको ये पूरी कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलेगा, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा। और बाकी आपको बैक एंड फ्रंट दोनों एकदम सेम मिलेगा, फुल लेंथ की स्लीव्स है, स्लीव्स पे भी ये वर्क है,
सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड कुर्ते की जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है, मीन्स जो इसका कपड़ा है ना, कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अच्छा खासा हैवी कपड़ा है। और जो इसका प्राइस मैंने पे किया है ना वो कुछ 600 के समथिंग है, बाकी मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगी तो आप देख लीजिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लाइक पार्टी वियर कुर्ता है, आप इसके साथ ना कोई भी कलर की लेगिंग टीम अप करके, लाइक ब्लैक कलर की लेगिंग ले लो, चाहे रेड कलर की लेगिंग ले लो, चाहे सेम इसी मस्टर्ड कलर की लेगिंग ले लो, उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और काफ़ी ज़्यादा प्यारी भी लगेगी। मुझे तो ये कुर्ता बहुत अच्छा लगा, बट सिर्फ साइज़ की वजह से थोड़ी सी इश्यू हो गया, वो तो मैं एक्सचेंज करके दूसरा मंगा लूँगी। बाकी गाइस जो ये कुर्ता है ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड इसमें शायद एक ही कलर है, या स्क्रीन पे दिखा दूंगी अगर और भी कलर्स होंगे, बट जहाँ तक मुझे ध्यान है इसमें यही वाला कलर है और यही कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ऐसा कलर ना मेरे पास है नहीं। मतलब जो मेरे पास विंटर्स के कुर्ता है ना उसमें ना ज़्यादातर मेरे पास ब्लैक, ग्रे, रेड और ग्रे कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन में है, ये ऐसा वाला कॉम्बिनेशन था नहीं, और ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक मन को भा रहा था, मैं सोचा इसको तो मंगा ही लेते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। तो आप इस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको विंटर्स के और हॉल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं और शेयर करूँगी आपके साथ। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये विंटर से रिलेटेड नहीं है बट मीशो पे एक सेलर हैं जिनकी दुपट्टा मुझे पर्सनली बहुत पसंद आते हैं, क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज एकदम औसम, मतलब दोनों चीज़ें, मतलब आपको ना वो एक तो कॉम्बो में देंगे, दूसरा यार दुपट्टा मतलब 50 रुपीज़ से स्टार्ट है, और इतने प्यारे कॉटन के, नेट के और थ्रेड वर्क के बहुत सुंदर सुंदर दुपट्टास मिल जाएंगे। मैं ना सेलर की जो आईडी होगी ना, सेलर की आईडी या लिंक जो भी होगा ना मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी, आप वहाँ से ना दुपट्टा चेक कर सकते हैं। मैंने पहले भी उनके ना शॉर्ट्स डाले हुए हैं दुपट्टास के, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पहले मैंने कॉटन के मंगाए थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मैंने अपनी दीदी वगैरह को भी दिए थे, उनको भी बहुत अच्छे लगे थे। उसके बाद जो मैंने अब मंगाए हैं ना, वो मैंने ये तीन कॉम्बो में नेट के दुपट्टास मंगवाए हैं, इनमें ना और भी कलर्स हैं, मतलब कॉम्बो में ही और भी कलर्स हैं, पर मेरे पास ये वाले कलर नहीं थे तो मैंने ये वाले कलर मंगा लिए। तो मैं ना आपको इसमें से ग्रे वाला दिखाती हूँ, सबके सेम ही क्वालिटी है, मतलब क्वालिटी वगैरह और जो इस पर पैटर्न है वो सेम ही है। बाकी जो इनकी लेंथ और विड्थ वगैरह ना बहुत अच्छी है, और जो नेट का जो फैब्रिक है ना, नेट वो बहुत अच्छी है, सॉफ्ट नेट है, और ये देखो इतना ज़्यादा मतलब लंबा चौड़ा आपको दुपट्टा मिल जाता है, देख रहे हो आप कितना ज़्यादा चौड़ा है, और लंबाई भी इसकी अच्छी खासी है, ये देखो। और ये अंदर ये गोल्डन से ये वर्क किया हुआ है, बाकी आपको ना चारों तरफ ना कुछ इस टाइप का ना ये ऐसा थ्रेड का कुछ वो मिल जाएगा, लेस मिल जाएगा चारों तरफ की। इसके बाद भी ना काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है, लुक एट दिस, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो आप इन पे भी चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक आप नेट के दुपट्टास देख रहे हो, कॉम्बो में लोगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मतलब मीशो पे ना गाइज आप कोई भी चीज़, ज्वेलरी हो, कपड़े हों, कुर्ताज़ हों, टॉप हों, या फिर ये दुपट्टाज हों, स्लीपर्स हों, कुछ भी अगर आप कॉम्बो में लेते हैं ना तो आपको बहुत ह्यूज फर्क देखने को मिलेगा प्राइस में। हेलो गाइस, तो ये वाला कुर्ता ना बाद में मुझे रिसीव हुआ जब मैंने वीडियो शूट कर लिया था, तो ये मैंने अमेजोन से मंगाया, ब्रांड MYX से। सो गाइस ये भी वुलन का ही कुर्ता है, एंड गाइस ये कुर्ता मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगा है ना, 599 रुपीज़ का ये कुर्ता है, वुलन में ही है, स्ट्रेट कुर्ती है ये विंटर की, और इसका पैटर्न डिज़ाइन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, ये देखो आपको ना ऐसे मिलेगा सिंपल, आपको पूरी ब्लैक कलर की कुर्ती है, एंड आगे से ना आपको जो ये पैच मिलेगा ना रेड कलर का, ये अलग से लगाया हुआ मिलेगा गाइज, और फुल स्लीव्स मिलेंगी आपको इसमें, राउंड नेक मिलेगा, नेक पे ना आगे की तरफ कट मिलेगा आपको, और ना आपको ना साइड में ना बांधने के लिए ना दोनों तरफ डोरी मिलेंगी जिसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, लाइक अपने अकॉर्डिंग टाई अप कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग कुर्ता है। सो यही था आज का हॉल, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और गाइस क्या क्या पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ 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 जल्दी से मेरे 10K सब्सक्राइबर्स करवा दो यार, प्लीज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।